बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर वाफियत से होंगे। दिस इज़ योर टीचर अहमद काशान सिद्दीकी। बिज़नेस कम्युनिकेशन हमारा वीक टू है। पिछले वीक में हमने अपने कोर्स का ऑलमोस्ट 1/3 एरिया जो था कवर कर लिया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बनाई थी। और अब इस वीडियो में इंशाल्लाह सेकेंड जो हमारा लेक्चर है, इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 2/3 ऑफ़ द कोर्स मैं आपको कवर करवा दूँ। और इसके बाद मैं एक थर्ड वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपको एक बिज़नेस कम्युनिकेशन का पूरा जो आपका कोर्स है वो समअप हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं 7 C's। इसके दूसरा जो नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। एक बड़ा आसान सा कायदा है इंसान की ज़िंदगी का कि आप जो भी काम करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ होगा तो उसका नतीजा जो है वो हमेशा ही टेढ़ा निकलेगा। तो हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, हर एक चीज़ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अगर NCS में पढ़ रहे हैं तो NCS के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो इसी तरीके से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, अपने पैगाम को पहुंचाते हैं, क्योंकि आजकल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कम्युनिकेशन जो होती है किसी भी इदारे के लिए एक लाइफ ब्लड की हैसियत रखती है, एक रूह की हैसियत रखती है इदारे के अंदर। तो कम्युनिकेशन के भी रूल्स हैं। कितने रूल हैं जी? 7 रूल्स हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के। ये 7 रूल आपने फॉलो करने हैं। इसको कहते हैं 7 C's। सीज़ इसलिए कहते हैं कि जो 7 के 7 रूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं सी लेटर से, इसलिए इसको कहते हैं 7 C's। और इसका दूसरा जो नाम है वो प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन है। तो एग्ज़ाम में ये 2 सवाल रिस्पेक्टिवली आते हैं। कभी लिखा हुआ होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल बनाएं, या कभी बताएं, या कभी कहते हैं कि आप जो है 7 C's एक्सप्लेन करें, एंड सो ऑन। कभी कभार ये नाम दिए हुए होते हैं कुछ एक दो, तो इस तरह भी सवाल आपके आ जाते हैं। सो ये 7 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जी? पहला है हमारे पास कम्प्लीटनेस, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा है क्लैरिटी, चौथा है करेक्टनेस, पांचवा है कॉन्सिड्रेशन, छठा है कर्टसी, एंड सातवा है कॉन्क्रीटनेस। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन कहीं पर भी करें, किसी के साथ भी करें, तो आपने इन 7 बातों का ख्याल करना होता है, ख़ास तौर पर जब आप प्रोफेशनली कम्युनिकेशन करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनको सीखते भी हैं, और आपने एग्ज़ाम में भी इसी तरह अटैम्प्ट करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको थोड़ा अपने अच्छे अल्फाज में, बेहतर अल्फाज में अटैम्प्ट करना होगा। तो पहला जो हमारा रूल है इसको हम कहते हैं कम्प्लीटनेस। तो कम्प्लीटनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो भी मैसेज है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, वो कम्प्लीट होनी चाहिए, हर एक एंगल से बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपकी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल नहीं होगी तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन ये होगा कि जो आपका सुनने वाला है, या जो आपका रीडर है, या उस मैसेज को जिसको आप कन्वे कर रही हैं, समझने वाला है, आपका रिसीवर है, वो उस मैसेज को प्रॉपरली समझेगा नहीं, मिसगाइड हो जाएगा, और मिसगाइड होने की वजह से उसके जहन में बहुत सारे गैसेस, उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे, बहुत सारी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फैक्ट्री का मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स को कहता है कि आज शाम को आपने प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस क्वालिटी का करना है, टाइम कितना होगा, अमाउंट कितनी होगी, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये तमाम सवालों के जवाब जो है क्वेश्चन मार्क हैं। उस मैनेजर ने अपने वर्कर्स को नहीं बताया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं वो गैस करना शुरू कर देंगे, वो अपने आप से काम करना शुरू कर देंगे, तो शायद जो एक रिक्वायर्ड लेवल था अचीव करने का वो प्रॉपर अचीव नहीं होगा। रीज़न क्या है कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो इसलिए जब भी आप कम्युनिकेट करें, आप प्रॉपरली अपनी बात को कन्वे करें ताकि जो है वो बात समझ आ जाए, और जो आपका मैसेज है वो मुकम्मल पहुंच जाए, ताकि बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो, या जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो भी, वो उनको अगर समझने हैं तो वो भी साथ में क्लियर हो जाए, ताकि जो टास्क है, जो बिज़नेस टास्क है, वो आपका अचीव हो सके। इसके बाद हमारे पास है कंसाइजनेस। अच्छा, कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइजनेस का मतलब होता है कि आप मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू करते हैं, कंसाइज अंदाज में, जिसको हम इंटेलेक्ट टॉक कहते हैं।
यानी कुछ लोग होते हैं कि जब वो बातें करना शुरू करते हैं तो वो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं कि जो मेन पॉइंट होता है उसके बीच में से कहीं पे समझ ही नहीं आता। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है और बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स में बात करनी है ताकि आपकी बात प्रॉपरली समझ आ जाए। अगर आप एक लंबी चौड़ी तकरीर शुरू करेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे हैं आप खैरियत है और फिर आप एक पूरी कहानी डाल दें आके, तो जो मेन पॉइंट है वो समझ ही नहीं आएगा, जो बात है वो आपकी बीच में रह जाएगी। तो हमेशा मैसेज आपका कंसाइज होना चाहिए और इसका फ़ायदा ये है कंसाइज मैसेज का, एक तो जो है टाइम बचता है, आपके एफर्ट जो है वो कम यूज़ होगा, साथ में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे रिलेटेड टू दिस तो वो भी आपके जो है बहुत मिनिमाइज लेवल पर आ जाते हैं। इसके अलावा कस्टमर के दिल में आपकी वैल्यू पैदा होना शुरू हो जाती है, वो कहता है बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, बड़ा परफेक्ट लेवल में बात कर रहे हैं और जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात असल में समझ आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बात समझ आ जाए, तो मैसेज आपका बड़ा कंसाइज होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपका मैसेज इतना साफ हो, इतने बेहतर अंदाज में हो, इतने वाज़े अंदाज में हो कि सामने वाले बंदे को वो बात पूरी तरीके से समझ आ जाए, ये कहलाया जाता है क्लैरिटी। अगर आपकी बात में क्लैरिटी नहीं होगी और आप जितना भी कंसाइज मैसेज उसको प्रोवाइड करें या जितना भी कंप्लीट हो तो बात उसको समझ ही नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ जिस तरह बोलूँ बात कर ये तो टॉप, तो क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यकीनन समझ नहीं आ रही होगी। तो क्या हो गया कि मैं बड़ी कंसाइज बात भी कर रहा हूँगा, मैं बड़ी कंप्लीट बात भी कर रहा हूँगा और मैं दीगर प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहा हूँगा, लेकिन मेरी बात क्लियर ही नहीं है। तो जब क्लियर नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने कोशिश करना है कि आप जो हैं वो बड़े साफ जो हैं वो बड़ी आराम से गुफ्तगू करें। और क्लियर कैसी होगी कि अगर जो हैं वो आप ओरल गुफ्तगू कर रहे हैं तो आराम आराम से करें, ठहर ठहर के करें, अल्फाज को जमा के बोलें ताकि सामने वाले को समझ आ जाए। और अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो वाजे वाजे लिखें, गैप दें और एक प्रॉपर पोर्टफोलियो जो आपका है राइटिंग का उसके रूल्स को आप फॉलो करें, तो ये आपका एक क्लियर मैसेज होगा। इसके बाद है जी करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब एग्जैक्टली आप जानते हैं कि बिल्कुल आपका मैसेज जो होना चाहिए वो दुरुस्त हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। इसका मतलब ये है कि जो आप गुफ्तगु कर रहे हैं आप सही ज़बान इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आपका जो रीडर है वो उर्दू समझने वाला है और आप उसके साथ जो हैं वो पश्तो में शुरू हो जाएं, आप फारसी में शुरू हो जाएं, आप चतराली में शुरू हो जाएं, तो एग्जैक्टली वो जो मीनिंग है आप जितने भी बेहतर बता रहे हैं उसके लिए वो करेक्ट मीनिंग ही नहीं है, वो उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर सक रहा। इसी की तरीके से आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करें ताकि उसको बात जो है प्रॉपरली समझ आ जाए, क्योंकि अगर आप अपनी बात प्रॉपरली समझाएंगे नहीं तो दरअसल वो आप अपना जो टास्क है आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो साथ साथ लूज़ करते रहेंगे। तो आपने बिल्कुल करेक्ट मैसेज उसको बताना है, टू द पॉइंट बताना है और सही अंदाज में आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। कंसीडरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो रीडर्स हैं जो बहुत सारे हमारे सेंडर्स होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को प्रॉपरली फोकस नहीं करते, अपने जहन में नहीं रखते। आप कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? आप कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात समझ जाए। ये लेक्चर मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? ताकि आप समझ जाएं। अब मुझे पता है कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे समझेंगे। अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगा तो भी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर बहुत तेज़ मैं किसी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा या मैं किसी और कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा, किसी सियासी तकरीर में बोलूँगा, वहाँ पर मेरी बात समझ आ जाएगी, क्योंकि अपना अपना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसी तरीके से आपने कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपने अपने रीडर की पहचान करनी है। और यहाँ पर हम एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, यू एटीट्यूड। जब भी आप किसी से मुखातिब हों तो आपने उसकी ज़हनियत को फॉलो करना है कि भाई वो क्या समझता है, वो क्या चाहता है, वो क्या समझ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर हैं और आप जो हैं वो जा रहे हैं प्रेप क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए और आपने तैयारी जो की हुई है वो मैट्रिक के लेवल की हुई है, तो मैं नहीं समझता कि आप एक अच्छे टीचर हैं, क्योंकि आप वो अपने उन बच्चों को कन्वे कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मैट्रिक का लेवल एक और है और प्रेप क्लास के बच्चों का लेवल एक और है। उनको फ़न चाहिए, उनको जो है वो थोड़ी एक्साइटेड टॉक चाहिए, वो कूल लिसनर नहीं होते, जबकि जो मैट्रिक के बच्चे होंगे वो कूल लिसनर होंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे एंड सो ऑन। तो आपको आपका जो आपकी जो ऑडियंस है वो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप जो हैं वो एक अच्छा सेंडर बन सकते हैं, कन्वेयर बन सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने रीडर के नेचर को, उनके अंदर क्वालिटीज़ को, उनकी हैबिट्स को, इन सब चीज़ों का आपको अंदाज़ा होना चाहिए ताकि इसको आप बेहतर अपने मैसेज को डिलीवर कर सकें। उसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं यू एटीट्यूड, कि आप सामने वाले के एटीट्यूड को जो है वो समझ के अपनी गुफ्तगू कन्वे करते हैं।
इसके अलावा अगेन कर्टेसी, अगर आप बगैर कर्टेसी के बात करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। कर्टेसी कहते हैं इखलाकियात को, मोहब्बत को, तमीज़ को, अदब के साथ। जब आप यू एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपने जो अपने ऑडियंस से गुफ्तगु करनी है वो बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ करनी है। अगर मैं आपसे इस समय गुफ्तगु कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं हो, इस तरह के अल्फाज मैं अगर इस्तेमाल करूँगा तो यकीन आपके जो हैं वो हर्ट होंगे, आप जो हैं मेरी बात को बहुत एहसान अंदाज में समझेंगे नहीं। तो क्या बेहतर होता कि अगर मैं कहूँ आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, मेरी बात समझ आ रही है, एंड सो लाइक दैट, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली आपकी जो एक टोन है, आपकी मेरी जो एक टोन है, मेरी जो एक फीलिंग्स हैं आपकी तरफ आ रही हैं, तो इससे आपकी बड़ी लर्निंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी और मैसेज बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो पहुंच जाएगा और जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुंच भी जाएगी, एंड सेकेंडली आपके दिल में मेरी बात भी पहुंच जाएगी। तो ये बेसिकली एक कर्टसी जो कर्टियस इंसान होता है उसकी एक बड़ी खूबी होती है कि वो सिर्फ अपनी बात ही कन्वे नहीं करता बल्कि सामने वाले के दिल में अपनी जगह भी बना देते हैं। इसलिए जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनके आप देखें वो इतने मीठे होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस क्या होती है जी, कि आप जब भी बात करें दलाइल के साथ करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें। अक्सर लोग होते हैं बहुत हवाई बातें करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं भाई यार ये कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है लेकिन जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए, भाई हमारी गवर्नमेंट बड़ी ख़राब काम कर रही है एंड सो ऑन। कैसे ख़राब काम कर रही है वी डोंट नो, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट जो है बड़ा ख़राब है इन अ सेंस ऑफ एग्जामिनेशन, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हम उसकी पूरी जो उस मार्क्स की वजह से पूरी उसकी उसके उसकी पूरी लाइफ को जो है हम वो हिट कर देते हैं बिकॉज हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होते ही नहीं है। तो जब भी आपने गुफ्तगु करनी है, आप किसी से भी मुखातिब हो, तो आपने क्या करना है कि आपने फैक्ट्स को और अपने फिगर्स को फोकस करना है और उसी की बेस पे आपने अपनी इमेज को बिल्ड करना है। आपके अल्फाज इतने स्ट्रांग हो विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स हो जो कि बहुत स्पेसिफिक हों, डायग्राम्स हो उसके अंदर प्रॉपर वर्ब्स यूज़ किए जाए हैं, प्रॉपर एक्शन वर्ब्स हों उसके अंदर, प्रॉपर एक वाइब्स आ रही हों आपकी तरफ से, तो तब जाके एक चीज़ जो है वो बड़ी परफेक्ट मैसेज की तरफ जाएगी और इस तरीके से आप एक बेहतरीन कम्युनिकेशन जो है वो अपनी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल जो मैंने आपको बता दिए, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी, कॉन्सिडरेशन, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कम्प्लीटनेस। तो ये वो हमारे 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसपे आपकी कम्युनिकेशन स्टैंड करती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस मैसेज को इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर करेंगे, प्लानिंग स्टेजेस, और ये जो आप सवाल हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम में भी आता है। सो जो हमारा पहला सवाल है 5 प्लानिंग स्टेप्स या बिजनेस प्लानिंग मैसेज प्लानिंग स्टेप के आप किस तरीके से इफ़ेक्टिव जो है मैसेज अपना रेडी करेंगे। तो इसके एक इफ़ेक्टिव मैसेज को रेडी करने को जहाँ पर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि आप क्या किन प्रिंसिपल की बेस पर मैसेज तैयार करोगे, अब यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से मैसेज बनाएंगे। तो मैसेज को बनाने के लिए आपने 5 स्टेजेस फॉलो करने हैं। ये वो प्लान है जो कि आप प्री क्रिएशन ऑफ मैसेज से फॉलो करते हो। पहला क्या है जी, आपने आइडेंटिफाई करना है अपने पर्पस को, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप जो है क्यों मैसेज तैयार कर रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव, एक बड़ा रैशनल किस्म का आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बड़ा लॉजिकल होना चाहिए ताकि सामने वाले को उस पर्पस से वो अफेक्ट हो सके। इसके बाद आपके पास आपकी ऑडियंस का आपको पता हो, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप मैट्रिक के लेवल के लिए बना रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर के लिए बना रहे हैं, आप जो है प्रेप क्लास के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस आपको क्लियर नहीं होगी, पिछले टॉपिक भी मेरी इसी भी आपको बात हुई थी, तो आप इफेक्टिवली अपना मैसेज डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे। यानी अगर मुझे नहीं पता होगा कि आप किस लेवल के हैं तो शायद मैं फिर उस लेवल पर डिलीवर ही ना कर सकूँ। अगर आप बहुत सीनियर होते, मैं PhD लेवल पर पढ़ा रहा होता, तो मैं आपको शायद मेरा अंदाज़ और मेरी एग्जाम्पल्स और किस्म की होती। अभी मैं एक बड़े यंग लेवल पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मेरी एग्जाम्पल्स हैं बहुत बेसिक्स हैं ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। तो इसके लिए आपने अपनी ऑडियंस का एनालिसिस करना होता है। इसके बाद आपने अपने आइडियाज़ को चूज़ करना होता है। आइडिया से मुराद के वो तमाम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, वो तमाम आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, वो जोक्स होने चाहिए, वो उस तरीके आपके पास मटेरियल होना चाहिए ताकि जो आपकी बात है वो प्रॉपरली सामने रिसीवर के माइंड में पहुंच जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्रॉपर आपके पास आइडिया हो और उसी के थ्रू फिर आपने मैसेज को आप आगे कन्वे करेंगे, उसको आप डिज़ाइन करेंगे ताकि जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली डिस्कस भी हो जाएं और सामने वाले को समझ भी आ जाए।
और फोर्थ पॉइंट जो है वो आपके पास है डेटा कलेक्ट करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपने गुफ्तगू करनी है, डिस्कशंस करनी है, तो आपने विद प्रॉपर मैकेनिज्म करनी है, विद प्रॉपर चैनल करनी है। आपके पास जो है वो कंक्रीट डेटा होने चाहिए। उसके लिए आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करने हैं, उनको फॉर्म एक शक्ल देनी है, उसका एविडेंस बनाना है, ताकि सामने वाले के बात जहन में वो बात प्रॉपरली विद एविडेंशली बैठ जाए। सो इसके लिए आपने प्रॉपर डेटा कलेक्शन करनी है। एंड लास्ट जो है वो आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है, आपने उसका बाकायदा इंट्रोडक्शन बनाना है अपने सामने रीडर को समझ के, फिर आपने उसकी बॉडी बनानी है, फिर आपने उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है ताकि वो मैसेज प्रॉपरली समझ आ जाए और प्रॉपरली डिलीवर हो जाए, ताकि आपका आइडिया जो प्रॉपरली सामने वाले को समझ आ जाए एंड उस पर आपको फीडबैक मिल सके। तो ये था जी हमारे 5 प्लानिंग स्टेप्स, और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो उसको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे पास है कि आप किस तरीके से अपने मैसेज की जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, लेटर की टाइप्स वगैरह, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से कंपोज करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या होते हैं लेटर के लिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई गुड न्यूज़ है तो आप कैसे डिलीवर करेंगे, कोई बैड न्यूज़ है तो आप कैसे बताएंगे। तो ये मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं कम्युनिकेशन के लेटर्स की शक्ल में, तो उस पर अब यहाँ पर बात करेंगे, और ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 बेसिक टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लान की लेटर वगैरह के लिए। पहली को हम कहते हैं डायरेक्ट या रिक्वेस्ट प्लान्स, गुड न्यूज़ प्लान्स, बैड न्यूज़ प्लान एंड परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। यानी अगर आप कोई बात डायरेक्ट कहना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ है किसी को जॉब मिल गई, प्रमोशन दे रहे हैं, या कोई बैड न्यूज़ है किसी को आप निकाल रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई इंतकाल हो जाता है, एंड सो ऑन, तो आप किस तरीके से बात करेंगे। और परसुएसिव या कोई रिक्वेस्ट प्लान, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो आप कैसे बयान करेंगे। अच्छा, जो इसमें जो फर्स्ट टू हैं यानी डायरेक्ट एंड गुड न्यूज़, ये इसके लिए जो आप अप्रोच यूज़ करते हैं बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच होती है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप मेन जो मेन टॉपिक है वो आप पहले बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर गुड न्यूज़ मैसेज है तो आप पहले यही कहेंगे कि ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर प्रोमोटेड। तो आपने क्या किया कि मेन बात पहले कह दी। और जो लास्ट टू हैं जिसमें आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या कोई बैड न्यूज़ है, तो वो आप हमेशा आखिर में बताते हैं। तो लास्ट टू जो हैं वो आप मेन पॉइंट इनडायरेक्टली बताते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की डेथ हो गई तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारी डेथ हो गई, आप यही कहोगे कि भाई आपके अंकल या आंटी बीमार थे और बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गए। तो उसके जहन पर वो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। तो ये बेसिकली 4 तरीके होते हैं। अगेन, डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बता चुका हूँ, उसको डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि जब आप भी समझते हैं कि आपका रीडर या जो आपका सुनने वाला है, वो जो रिएक्शन देगा वो बड़ा नॉर्मल होगा, वो उसके हक़ में बड़ा फेवरेबल होगा, वो बड़ा कूल रिएक्शन देगा, तो आप जाके डायरेक्ट अप्रोच से अपने मैसेज देते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आप कोई बेस्ट मैसेज, कोई गुड न्यूज़ वगैरह जो है वो आकर अपने रीडर को देते हैं। कोई अच्छा प्लान है, कोई रिक्वेस्ट है, उसकी कोई ग्रांट अप्रूव हो गई है, कोई अलाउंस उसको मिल गया है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए जो उसको मिल गई, जिससे वो हेल्प होता है। सेकेंडली, इनडायरेक्ट अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच, ये वो अप्रोच होती है जिसमें आप अपने लिसनर को जो कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज है या कोई ऐसी बात है जो कि आप करना चाहते थे और आपको पता है कि भाई ये बात वो जनरली सुन के शॉक में जाएगा, तो आप क्या करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ एक डिटेल पैराग्राफ बताते हैं एंड देन जाके आप उसको फिर उसकी बात बताते हैं, ताकि उसका जो रिएक्शन है वो प्लेजेंट हो, न्यूट्रल हो और वो बात को प्रॉपरली समझ सके। अच्छा, इसके अलावा बिगनिंग एंड एंडिंग, कि आप अपने मैसेज के आगाज़ कैसे करेंगे और आप अपने मैसेज को डिलीवर कैसे करेंगे, तो इसके लिए बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने हर बार सुनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप जो हैं वो जो बात भी करेंगे उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो बिगनिंग एंड एंडिंग एज़ पर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग्स के मुताबिक होनी चाहिए, कि अगर जो है वो प्रॉपरली आपकी बात शेप्ड हो, प्रॉपरली वो बात पैराग्राफ्ड हो, उसकी क्लोजिंग हो, उसमें ओपनिंग हो, ताकि वो बात उसको प्रॉपरली समझ आ जाए और विद प्रॉपर मैकेनिज्म हो। तो ये वो आपकी ओपनिंग पैराग्राफ्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो की जा रही हैं, कि अगर आपका मैसेज जो है वो कोई ऐसा है जो कि किसी को गुड न्यूज़ दे रहा है, तो जो मेन बात है वो आपने पहले बतानी है, डायरेक्ट अप्रोच करनी है। और अगर आपकी जो है वो बात उसके हक में नहीं है, तो आपने उसको मेन थीम में रखना है, फिर बाद में आपने आगे करनी है। तो ये सारी बातें वो यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, आपका सेंट्रल स्ट्रक्चर और प्रॉपर डेटिंग हो एंड सेम क्लोजिंग भी, कि अगर कोई बैड न्यूज़ है तो उसको आपने एंड में करनी है, जो आपको उसके हक़ में है वो आपने फर्स्ट में करनी है, और जो फर्स्ट में कर रहे हैं उसमें क्लोजिंग जो है वो उसको विश करने की होना चाहिए। तो सारी बातें इसमें, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, इन वाला पर फुल डिटेल्स होनी चाहिए, टाइम डेट सारी चीज़ें मैंशन होनी चाहिए, यही सारी बातें इसके अंदर शामिल हैं।
तो बेसिकली ये फोर अप्रोचेज जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर आती हैं, तो उम्मीद है कि आपने इस पे अपने आप समझ गए होंगे और ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंपोज मैसेज, कि आप किस तरीके से एक मैसेज को कंपोज करेंगे। अच्छा, कंपोजिंग दी मैसेज का मतलब ये है कि जब आपने प्लानिंग कर ली है, आपको पता है कि आपके मैसेज की प्लान की टाइप क्या है, इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है, किस तरीके से करना है, तो बात आती है कंपोजिंग की। कंपोजिंग के तीन स्टेप्स हैं। पहले को हम कहते हैं ड्राफ्ट योर मैसेज। आप अपने मैसेज का एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं। ड्राफ्ट कहते हैं रॉ फॉर्म में, जिसको अभी आपने समझना होता है, पढ़ना होता है, और आप एक प्री प्लान रेडी करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक रफ काम करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट करें विथ कम्प्लीट एंड विथ उसके बाद जब आप एक विथ कम्प्लीट शेप, और उसके बाद फिर उसको आप प्रूफ रीडिंग करें, जहाँ जहाँ पर आप मिस्टेक्स हैं उसको आप कवर करें। अगेन आपने प्रूफ रीडिंग कर ली, अब रिवाइज योर मैसेज, आपने उसकी रिवाइजिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग के बाद उसके प्रॉपर रिवाइज करें और रीराइट करें, लैंग्वेज मिस्टेक्स चेक करें, पॉइंट्स सही करें, डेटा मीनिंग्स प्रॉपर होने चाहिए, जो चीज़ डिलीट करनी है डिलीट कर दें, जो डेटा ऐड करना है जो अननेसेसरी है उसको हटा दें, सारी चीज़ आपने रिवाइज कर लें। अगेन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये आपका नेक्स्ट स्टेज, कि आपने उसको प्रॉपर एडिट कर लें और उसको आप प्रॉपरली जो है वो डिज़ाइन कर लें, उसकी जितनी मिस्टेक्स हैं आप वो रिमूव कर दें। तो ये वो थर्ड स्टेप है। इसके बाद जब प्रूफ रीड आप कर लें तो उसके बाद आपने इसको नीटली लिख देना है और ये आपका जो मैसेज है वो कंपोज हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर भी यहाँ पे वाइंड अप होता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा और इसके साथ अपना हम 2/3 कोर्स वाइंड अप कर लेंगे। यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस लेटर को रेडी करेंगे, लेटर के हवाले से और जो मैसेज आप रेडी कर रहे हैं उस पर हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसमें तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों ज़रूरी है कि आपका जो लेटर है या जो आपका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली स्केच्ड हो, वो इसलिए हो ताकि आप प्रॉपरली आपका जो मैसेज है वो आपकी बात जो है वो सामने वाले को समझ आ जाए। तो हर चीज़ को करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसी तरीके से जब आप बिज़नेस लेटर बनाते हैं तो इसके भी अपने जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें क्वालिटी है, साइज़ है, कलर्स हैं, हर वेट, हर ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम तफसीली बात करेंगे। लेटर हेड भी एक कुछ चीज़ होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं जो कि एक वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और उनकी जितनी भी डीलिंग्स होती हैं वो अपने लेटर हेड पे होती हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका अपना एक मार्केट में इमेज होती है तो वो लेटर हेड यूज़ करती हैं। ये एक स्पेसिफाइड लेटर होता है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ को डिफाइन करता है और उस वर्थ के बेस पर बहुत सारे डिसीजन भी लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई आपको एक लेटर आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से या आर्मी की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ऊपर लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली लेटर हेड है, तो उसकी एक अपनी वर्थ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेटर की। या NCS की तरफ से आपको कोई लेटर आ जाए तो उसकी कोई वर्थ होती है। और इसी तरीके से कोई ऐसा लेटर आए जिसमें कोई नाम ही ना हो, कोई लोगो ही ना हो, वो कोई प्रॉपरली शेप ना हो, तो उसकी वर्थ नॉर्मल लेटर की नस्बत थोड़ी सी इफ़ेक्टिव कम होगी। तो ये लेटर हेड है, इसमें टॉप पे आपका लोगो होता है, ये 2 इंच का स्पेस होता है जहाँ पे अपना नाम वगैरह, अपना लोगो वगैरह आप डिफ़ाइन करते हैं, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जिसमें आपका नंबर होता है, आपका टेलीफोन एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इनवेलप्स की बात भी होगी और यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके बाद हम लेटर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ जाएंगे। इनवेलप वो चीज़ होती है कि जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को प्रोवाइड करते हैं, आगे भेजते हैं। इसके 2 साइड्स होती हैं, फ्रंट एंड बैक। एक तरफ जो है वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, दूसरी तरफ जो है जिसको आप भेज रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, यानी सेंडर की इन्फॉर्मेशन और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसका नाम, टाइटल, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, PO बॉक्स, सिटी, कंट्री, तमाम डिटेल आप यहाँ पे आके लिखते हैं। एनवेलप भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, छोटे साइज़ का भी होता है, बड़े साइज़ का भी होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से भेज रहे हैं। अच्छा, ये हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है, स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ द लेटर। ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो लेटर के जो है 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं और 2 किस्म के जो है पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पार्ट्स और एक को हम कहते हैं ऑप्शनल पार्ट्स। स्टैंडर्ड पार्ट्स वो होते हैं कि जिनके बगैर आपका मैसेज, आपका लेटर कंप्लीट नहीं होता, और ऑप्शनल वो है कि अगर आप ये ना भी लिखें तो शायद कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखें तो ये एक इससे आपके लेटर की क्वालिटी और जो वैल्यू है वो ज़्यादा वर्थ करेगी। अच्छा, स्टैंडर्ड पार्ट्स के हैं कि आपके लेटर का पूरी हेडिंग होनी चाहिए, उसमें डेट होनी चाहिए और लेटर हेड की इन्फॉर्मेशन, इदारे का नाम होना चाहिए, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इनसाइट एड्रेस आपने लिखा हुआ, यानी टाइटल हो, उसमें नेम हो, एग्जैक्टिव का प्रोफेशन वगैरह लिखा हुआ, सैल्यूटेशन वगैरह लिखा हो, जिस तरह आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर आपकी बॉडी हो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, थैंक यू सर हो, सिग्नेचर का एरिया हो, और रेफरेंस सेक्शन वगैरह आपने प्रॉपर बनाए हो, ये वो आपके
पार्ट्स हैं जो कि लेटर में मस्ट होने चाहिए। ऑप्शनल में क्या होता है कि भाई आपकी अटेंशन लाइन लो, आप जो सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, इंक्लोजर नोटेशंस लिखते हैं, कॉपी नोटेशन लिखते हैं जिसको हम सीसी भी कहते हैं, कार्बन कॉपी वगैरह होती है, ये सारी पोस्टस्क्रिप्ट वगैरह, ये चीज़ आपने मैंशन करनी है। अभी वन बाय वन सब पे बात करते हैं। लेटर हेड क्या होता है जी? लेटर हेड आपके लेटर कपल का टॉप के एरिया है जहाँ पर आपने क्या करना होता है कि आपने अपने डेट लिखनी होती है, कंपनी का या इदारे का नाम वगैरह लिखा होता है। लेटर में हेड में तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल लेटर लिखती हैं तो उसमें जस्ट आके लेफ्ट कॉर्नर पे, सॉरी राइट कॉर्नर पे जो होता है वो डेट या टाइम वगैरह मेंशन होती है। इसके बाद जो है वो इनसाइड एड्रेस की बात होती है। इनसाइड एड्रेस क्या होता है जी? इनसाइड एड्रेस ये होता है कि आप जिसको भेज रहे हैं लेटर, उसका नाम, उसका प्रोफेशन, उसका पता वगैरह आप उसमें वहाँ पे मेंशन करते हैं उसको मुखातिब करने के लिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर हैं, मिसेज हैं, उसके बाद उसका नाम, प्रोफेशन, सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हैं ताकि प्रोफेशनल लुक मिल जाए। इसके बाद थर्ड चीज़ जो है इसके अंदर इनसाइड एड्रेस में आपकी सैल्यूटेशन वगैरह आती हैं जिसको आप कहते हैं डेयर सर, डेयर मैडम, डेयर टीचर एंड सो ऑन, जो भी है डेयर जॉन वगैरह वगैरह आप मेंशन करते हो कि मैनेजर है तो डेयर मैनेजर को, एग्जैक्टिव और डेयर एग्जैक्टिव एचआर डायरेक्टर एंड सो ऑन, या डेयर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिशन डायरेक्टर एंड सो ऑन, तो इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशंस। बॉडी बेसिकली डिफरेंट पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होती है जिसमें आप अपने स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट कैसे लेंगे? या तो इंडक्टिव अप्रोच होगी या डिडक्टिव अप्रोच होगी जिस पर हमने पीछे बात की हुई है, एंड उसी के बेस पे आप मैसेज लिखते हैं। 4 से 5 लाइन के पैराग्राफ होता है, आप 1 पेज 2 पेज तक भी जा सकते हैं एंड सो ऑन, डिपेंड करता है कि आपका मैसेज कितना बड़े। इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल लाइफ में लिखते थे योर्स ओबीडियंट, तो लेटर में आप लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, योर सिंसियरली, ट्रूली सिंसियर एंड सो ऑन, सर के वर्ड्स आप लिखते हैं। इसके अलावा आप सिग्नेचर ये लिखते हैं जिसमें उसका नेम, कंपनी, सिग्नेचर और नेम भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर की जगह छोड़ सकते हैं, कंप्यूटराइज भी लिख सकते हैं। रेफरेंस सेक्शन, अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई टाइटल है, तो आप वो रेफरेंस वगैरह भी नीचे दे सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अच्छा, ये वो ऑप्शनल पार्ट हैं जिस पर हमने यहाँ पे गुफ्तगू करनी है। अच्छा, अटेंशन लाइन क्या होती है? अटेंशन लाइन ये होती है कि जब आप किसी बंदे से मुखातिब तो होना चाहते हैं लेकिन आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता, या आप उसका नाम प्रॉपर नहीं जानते, तो आप डियर सर या डियर मैडम की बजाय, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो आप दी मैनेजर ये सब की कोई चीज़ लिखते हैं, उसको मुखातिब करने के लिए आप कोई स्पेसिफिक टाइटल लिख देते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीडर्स को ही देख के समझ आता है कि मैसेज क्या है। आप यहाँ पे अपने मैसेज का, अपने जो लेटर का मेन पर्पस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैसेज जो है वो लीव के लिए तो आप लिखते हैं लीव रिक्वेस्ट, या अगर आपका मैसेज जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए है, एक्सटेंशन इन लीव्स हैं, या फिर आपका जो है वो एडमिशन के लिए है या कंसेशन के लिए, तो आप यहाँ पे बेसिक आके मेंशन करते हैं। इसके अलावा नोटेशन वगैरह क्या होती है भैया? अगर आपने कोई कॉपी लगाई हुई है, कोई आईडी कार्ड की कॉपी लगाई हुई है, कोई क्लोज है, कोई सीवी लगाई है, तो वो आप यहाँ पे जितनी भी आपके अटैचमेंट्स हैं आप यहाँ पे शो करते हैं। इसके अलावा जो है वो कॉपी नोटेशन क्या होता है जी? कि जब आप जो आपका लेटर के साथ जो अटैचमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें, अगर आप जिसको भेज रहे हो, मिसाल के तौर पे मेरा नाम अहमद है और सामने मुझे, मैं अपने अहमद जो है एक लेटर लिखते हैं अली के लिए, अब अहमद ने अली के लिए भी लिखा और उस लेटर की जो कॉपी अली भेजी है वो एहसन को भी भेज दी, जो ओरिजिनल है वो अली को गया और जो उसकी कॉपी है वो एहसन को भी चली गई। तो जो एहसन को भेजा है आपको ये बताना होगा, अगर आप बताना चाहते हैं अली को कि भाई इसकी कॉपी एहसन को भी गई हुई है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं कॉपी नोटेशन। और वहाँ पे हम लिखते हैं कि ब्लाइंड कॉपी गई है या ब्लाइंड फोटो कॉपी गई है, या सीसी आप लिख देते हैं कि इसकी कार्बन कॉपी भेजी हुई है, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको सामने वाले को पता चल जाए कि भाई ये कॉपी जो हमने इसकी भेजी हुई है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यही होती है कि आप गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन देखें कि अगर कोई नया मिनिस्टर आता है या किसी को नई जॉब मिल जाती है तो उसकी एक कॉपी चीफ मिनिस्टर को जारी होती है, एक प्राइम मिनिस्टर को जारी होती है, किधर जारी होती है, उधर जारी होती है, सबको सीसी लिख के किया तो ताकि पता चल जाए किस किस को गई हुई है। अच्छा, इसके अलावा पोस्टस्क्रिप्ट ये होता है जी कि आप जो है अपने लेटर में, कि आप अगर किसी ख़ास लफ्ज़ पे कोई बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ बात करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक वर्ड है आपके लेटर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैनेजर या लीव, और आप चाहते हैं कि उस पर आप मज़ीद बात करें, लेकिन अगर आप लेटर में ये चीज़ें लिखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी, तो आप क्या करते हैं अपने लेटर के साथ जो है एक एक्स्ट्रा पेज लगा देते हैं और उस लफ्ज़ के ऊपर एक नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 कोई नंबर डाल दिया और उस नंबर के साथ में अटैचमेंट लगा देते हैं लेटर के पीछे, और वहाँ पर आपने उसकी डिटेल लिखी हुई होती है। अक्सर आप कुरान मजीद में देखें तो तफासीर जो होती हैं, यानी आयत के ऊपर नंबर 1 2 लिखा होता है और उस पेज के आगे या पेज के नीचे या आखिर में उसका तर्जुमा लिखा हुआ होता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है। और ये डिक्शनरी भी आपने चीज़ देखी होगी। अच्छा, इसके बाद अब जो हम बात करने वाले हैं वो लेटर के लेआउट की है, कि लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, उसको आप कैसे बनाएंगे।
अच्छा, ये लेआउट जो बात हो रही है, ये पंक्चुएशंस की बात हो रही है, यानी कहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाने, कहाँ पर आपने कॉमा लगाने, तो ये आपको बेसिक पता है। इस पर मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसको आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि चीज़ आपको क्लियर होगी, आपको पता होगा भाई कहाँ कहाँ पर कॉमा एंड फुल स्टॉप लगाने। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है वो लेटर स्टाइल्स, दो किस्म के लेटर्स होते हैं, एग्जाम में भी आता है। एक को हम कहते हैं जी फुल ब्लॉक, एंड फिर एक को हमारे पास होता है मॉडिफाइड, इसमें सेमी ब्लॉक वगैरह भी आते हैं। तो फुल ब्लॉक जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, जिसको ज़रा पढ़ते हैं कि एवरी लाइन बिगिंस एट दी लेफ्ट मार्जिन, यानी ये वो लेटर होता है कि जिसका आगाज़ में आप जितना भी काम करते हैं वो लेफ्ट साइड पे सारा का सारा होता है। आपने बहुत सारे लेटर देखे होंगे जिसमें सब कुछ जो है लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, एप्लीकेशन भी जितनी होती है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होती है, यानी सब्जेक्ट लाइन भी लेफ्ट पे होगी, अटेंशन लाइन भी लेफ्ट पे होगी, रिस्पेक्टेड सर भी और पैराग्राफ भी लेफ्ट पे होंगे। मॉडिफाइड ब्लॉक में क्या होता है जी, कि जिसमें डेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर सेक्शन जो होते हैं वो सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर में होते हैं, और बाकी इसके अलावा एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाकी राइट मार्जिन पे होती है, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन, और बाकी जो आपकी बॉडी वगैरह होती है वो उसको आप इंटेंडेड एंड बाकी आपके जितने मार्जिन वगैरह होते हैं उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर, इसके अलावा ये सारे इसके दो मेन स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा जो है सेमी स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको आप कुछ राइट में होता है कुछ लेफ्ट में होता है, और एक इसमें ये स्टाइल भी है कि बाकी सारा का सारा राइट साइड पे होता है। तो डिफरेंट स्टाइल हैं जो कि आप बाकी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेटर के बाद जो हमारे पास मेमोरेंडम्स होते हैं। मेमोरेंडम क्या होते हैं जी? लेटर तो वो चीज़ है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाती है और लोग उसको समझते हैं। मेमोरेंडम ये होता है कि जो चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही होती है, यानी कोई नोटिफिकेशन है, कोई अपडेशन हैं, कोई लीव्स, कोई छुट्टियाँ अनाउंस हो रही हैं, कोई हॉलीडे है, कोई पब्लिक डीलिंग है, कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, तो स्टाफ के लिए जो लेटर जारी होता है, कोई जो एक पीस ऑफ पेपर जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो उसको कहते हैं जी मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो है वो ईमेल की शक्ल में होते हैं। आजकल जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है या और जितनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, वहाँ पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मली सारी की सारी चीज़ें ईमेल पे ही कन्वे हो रही होती हैं। आपको ईमेल आ जाता है और उसी के थ्रू सारा काम होता है। फिज़िकल लेटर्स वगैरह बहुत कम होगी सर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ईमेल चलता है, यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल चल रहा होता है, और आप लेटर भी यहाँ पे आके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगेन, इसके भी कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं मेमोरेंडम के, जिसमें आपने डेट लिखना है, किसको लिख रहे हैं, टाइम लिखना है, स्ट्रक्चर क्या है, यूज़फुल किस लिए, सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। ऑप्शनल पार्ट में जो है इसके भी सारे रेफरेंस और इनिशियल्स और नंबर और रूटीन और कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डिपार्टमेंट है, टेलीफोन नंबर है, ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं। ये भी वही सारी, इसमें आप इंपॉर्टेंट मैसेज लिखते हैं, कोई जनरल गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, वही इसका लेआउट है सारा का सारा। इसमें स्पेस होता है, लेफ्ट मार्जिन से भी आप लिखते हैं, राइट से भी लिख सकते हैं। सिंगल और डबल स्पेसिंग होती है पैराग्राफ के बिचवीन, जो कि नॉर्मली आपने देखा होता है। वन पेजर भी हो सकते हैं, एडिंग्स भी हो सकती हैं, नंबर्स, नोटेशन, रेफरेंसेज, ये सारी चीज़ आप उसको लिखते हैं। बाकी इसको आप देख लीजिए, इट्स नॉट अ बिग इशू। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगेन, ईमेल भी आप, ईमेल का फॉर्मेट आपको पता है, आपने किया हुआ भी होगा, और उसमें ऊपर आप किसको भेज रहे हैं उसकी आईडी लिखते हैं, फिर उसमें आपकी आईडी होती है, जिसको भेज रहे हैं उसकी आईडी होती है, सब्जेक्ट लाइन होती है जो आप लिख रहे हैं, साथ में बॉडी होती है जो आप भेजना चाहते हैं। तो फैक्स आजकल तो खैर नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं अवेलेबल है फैक्स मशीन तो आप यूज़ कर लें। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप पूरा पेज जो होता है वो मशीन के अंदर जाता है और वो डेटा जो है आप उसी जगह पर भेज देते हैं। टेलीग्राम्स और मेलग्राम्स और टेलेक्स वगैरह जो हैं तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ईमेल्स का सारा ज़माना है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन हो तो आप देख लें वही सारी चीज़ें। टेली कॉन्फ्रेंसेज आजकल बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए से, तो ये भी आपके ज़रिए है वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कोई डिसीजन होता है, तो आजकल सबके पास जूम है। कोरोना ने हमें और ज़्यादा आदी कर दिया, जैसे अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, और इसको आप आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपकी लाइंस रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जिसमें आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ये वीडियो के हवाले से इसमें कोई अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने अपना तकरीबन 2/3 ऑफ़ द कोर्स कवर कर लिया, और इंशाल्लाह इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी जहां पर जो है मैं आपका फुल कोर्स वाइंड अप कर दूंगा। इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कीजिए, कोई आपका सवाल है मेरा नंबर आपके पास ग्रुप में मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपसे इन टच रहूँगा। कोई भी आपका सवाल है तो उसको मैं इंशाल्लाह एड्रेस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पाएंगे।